हेलो फ्रेंड्स, साधना सोमन्स रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सी रेसिपी, ग्रीन पीस मसाला या ग्रीन पीस काजू मसाला। हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो वही टेस्ट हम घर पे क्यों ना बनाएं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मज़ेदार सी रेसिपी, ग्रीन पीस मसाला या ग्रीन पीस काजू मसाला। सबसे पहले पैन में बटर ऐड करेंगे, काजू को रोस्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 30 काजू लिए हैं। काजू को हल्का गोल्डन कलर आ गया है, निकाल लेते हैं प्लेट में। सेम पैन यूज करेंगे, ग्रीन पीस डालेंगे, फ्रेश मटर ली है, आप चाहे तो फ्रोजन मटर ले सकते हैं। ग्रीन पीस को 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया है, शालो फ्राई किया है, निकाल लेते हैं। सेम पैन यूज करेंगे, पैन में थोड़ा तेल ऐड करेंगे। अब डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 6 लहसुन की कलियां। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब डालेंगे 2 मीडियम साइज का स्लाइस में कटा हुआ प्याज। प्याज का कलर चेंज होने तक उसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज होने तक उसे अच्छे से भून लिया है, अब उसमें ऐड करेंगे 2 साबुत लाल मिर्च। उसके अंदर के बीज हटा लिए हैं, साथ में ऐड करेंगे 15 काजू। और 2 छोटे बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर जल्दी सॉफ्ट होने के लिए उसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। टमाटर जल्दी सॉफ्ट होने के लिए थोड़ा पानी डालेंगे, कवर कर देते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करके पेस्ट बनाएंगे। ग्राइंड की हुई पेस्ट, थोड़ा पानी ऐड करके ग्राइंड किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट का टेक्सचर। ग्रीन पीज मसाला बनाने के लिए पैन में तेल ऐड करेंगे। तेल आप अपने आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा ले सकते हैं। थोड़ा बटर ऐड करेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब उसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा अच्छे से फ्राई होने के बाद खड़े मसाले ऐड करेंगे, 3 लौंग, 2 हरी इलायची, 5 काली मिर्च, दालचीनी और तेजपत्ता। हींग ऐड करेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। साथ में डालेंगे ग्राइंड की हुई पेस्ट। सभी मसाले हमने लो फ्लेम पे ही ऐड किए हैं, वरना मसाले जल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चलाते हुए लो फ्लेम पे सभी मसालों को तेल छूटने तक भून लिया। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अब उसमें ऐड करेंगे मटर,
मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। 4 से 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। ढक देते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेवी का टेक्सचर। अब उसमें ऐड करेंगे काजू, साथ में डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब उसमें डालेंगे गर्म पानी। पानी हम कंसिस्टेंसी देख के डालेंगे। अब इसे धीमी आंच पर फिर से ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ढक देते हैं। हमारा गर्मा गर्म ग्रीन पीस काजू मसाला परोसने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं उसका कलर, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया। ग्रीन पीस काजू मसाला की टेस्ट और बढ़ाने के लिए डालेंगे कसूरी मेथी, क्रश करके लिए। मिक्स कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बढ़िया बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस की फ्लेम कर देते हैं ऑफ, सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म ग्रीन पीस काजू मसाला तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।